नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर सीरीज फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एंड अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट दिस टॉपिक कॉल्ड ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, जो रिसेंटली न्यूज में था। क्या है ये ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज और क्यों ये रिसेंटली न्यूज में था, ये सब हम डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस टॉक अबाउट अ फ्यू फ्रेंड लाइक यूकर, स्नेहल, शैल आदित्य, साफरान, लक्ष्मी, शिवम, कपिल, पल्लवी, मधुबाला, डीके क्लासेस, निधि यादव, आलोक रंजन, इंडियन इकोनॉमी, गोविंद सहानी, दीक्षा, रविशेख, एंजल, वंशी, वंशी कृष्णा, गौरव कुमार, सतीश गुप्ता, अमरीश यादव, कपिल, ऑल इन वन, प्रतिमा, इन सभी ने काफ़ी सही तरीके से क्वेश्चंस का आंसर किया है विच वर आस्क्ड ड्यूरिंग द सेशन, और इन्होंने कमेंट्स भी दिए हैं विथ रिस्पेक्ट टू द फीडबैक दिया है विथ रिस्पेक्ट टू द वीडियोस। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट। पूर्वांचल आईएएस इज अ वेंचर फॉर सस्टेनेबल एजुकेशन बाय डॉक्टर रवि अग्रहारी सर एंड हिज टीम। इस लेक्चर के पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। ऑनलाइन अन्य क्लासेस के लिए आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ऑनलाइन या फेस टू फेस क्लासेस के लिए यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी के लिए आप इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकर आ गए हैं आपके लिए कंप्लीट एंड कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स कोर्स। प्रीलिम्स कम मेन्स का एक करंट अफेयर्स कोर्स होगा। 2021 हमारा टारगेट ईयर है एंड इस कोर्स के सोर्सेस होंगे ये सब, और वीकली वाइज ये कोर्स होगा जहाँ पर 4 वीक्स में पूरा मंथ डिवाइड किया जाएगा। 4 वीक्स पर मंथ आपको ये मिलेगा एंड GS1, GS2, GS3 में पूरे करंट अफेयर्स डिवाइडेड होंगे। आपको प्रैक्टिस भी करा दिया जाएगा, 15 प्रीलिम्स एंड 15 मेंस क्वेश्चंस, और इसका प्राइस रखा गया है 2500 रुपीज़ प्लस 18% GST, जो कि ये करंट अफेयर्स कोर्स होगा अक्टूबर 2020 से लेकर के आपके मेंस एग्जाम तक ये पूरा कोर्स होगा, और एक्सक्लूसिवली पूर्वांचल आईएएस के ऐप पर आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ऑल्सो वी हैव द NCERT कोर्स, जो कि पूरे के पूरे बेसिक NCERTs को कवर करेगा फॉर दिस अमाउंट। वी हैव द फुल GS कोर्स, जो कि UPSC, UPPSC, MPPSC या CGPSC के लिए प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट कवरेज होगा। इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। ऑल्सो सब्जेक्ट वाइज कोर्सेस हमारे पास है, जो कि सब्जेक्ट वाइज प्रीलिम्स का मेंस का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे फॉर दीज अफोर्डेबल प्राइजेस। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने फाउंडेशन स्टोन ले किया है ऑफ द लाइट हाउस प्रोजेक्ट एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव। ओके, तो लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो है इसका फाउंडेशन जो है ले किया है प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली, एंड दैट इज़ वाई ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया इनिशिएटिव जो है वो न्यूज़ में है, क्योंकि लाइट हाउस प्रोजेक्ट इज अ पार्ट ऑफ दिस GHTC इंडिया इनिशिएटिव। ओके, ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट कहाँ किया गया है? 6 sites एट 6 states वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसका जो है फाउंडेशन ले किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर। ही ऑल्सो अनाउंस द विनर्स अंडर अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर्स इंडिया। सो इसके विनर्स को भी अनाउंस किया, साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन मिशन का ये पार्ट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, इसके एनुअल अवार्ड जो है वो भी दिए गए हैं। साथ ही साथ नवारिति जो कि न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग, इसके सर्टिफिकेशन कोर्स को भी जो है रिलीज किया गया था। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। लेट अस फर्स्ट डिस्कस अबाउट द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज ऑफ इंडिया। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत किया जा रहा है। इसका एम है टू आइडेंटिफाई एंड मेनस्ट्रीम अ बास्केट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज। सो ए नंबर ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज जो कि यूज किया जा सकता है अक्रॉस द ग्लोब फॉर हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर। हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए अक्रॉस द ग्लोब से जो है सम सॉल्यूशंस लिए जा रहे हैं, जहाँ पर हाउसेस सस्टेनेबल, इको फ्रेंडली और डिजास्टर रेजिलिएंट बने। तो अभी हाउसेस को क्या होने की ज़रूरत है? नंबर वन, सस्टेनेबल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हम केसेस देख रहे हैं जहाँ पर वो घर जो है गिर जा रहा है एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स आर हैपनिंग। इको फ्रेंडली होना चाहिए,
और दो हमने काफी स्ट्रांग बनाया है पर इको फ्रेंडली हाउस नहीं बन पाते, तो क्या हम कर सकते हैं कि स्ट्रांग भी हो, इको फ्रेंडली भी हो, डिजास्टर रेजिलिएंट भी हो? ये काफी ज्यादा जरूरी है क्योंकि डिजास्टर्स जो है, साइक्लोन्स एंड वेरियस अदर डिजास्टर्स हैव बीन अकरिंग एंड इनका जो है मात्रा बढ़ते ही जा रहा है. ऑल्सो इंडिया विल बी वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज विथ रेस्पेक्ट टू डिजास्टर रेट, इस तरह से कहा जा रहा है. तो डिजास्टर रेजिलिएंट हाउसेस बनाने की ज़रूरत है. तो इन सबसे रिलेटेड ग्लोबली जो सॉल्यूशंस है और इसमें इसके तहत जो सॉल्यूशंस दिए जाएंगे उस पर काम किया जाएगा और उनमें से कुछ को चुनकर जो है ये पायलट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं एंड दे आर लेटर ऑन यूज्ड इन अ वाइड स्केल मैनर. तो इसके कंपोनेंट्स क्या है? ग्रैंड एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इसका कंपोनेंट है जहां पर बायनली इसे किया जाता है टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू ऑल स्टेक होल्डर्स एसोसिएटेड विथ हाउसिंग कंस्ट्रक्शन फॉर द एक्सचेंज ऑफ नॉलेज एंड बिजनेस. तो सारे जो स्टेक होल्डर्स है हाउसिंग कंस्ट्रक्शन से जो रिलेटेड हैं वो सब आके अपने नॉलेज बिजनेस से रिलेटेड बातें जो है करते हैं. प्रूवन डेमोन्स्ट्रेबल टेक्नोलॉजीज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स. तो इसके तहत डेमोन्स्ट्रेट द मेरिट्स ऑफ सेलेक्टेड टेक्नोलॉजीज एंड सर्व एज लाइव लेबोरेटरीज फॉर रिसर्च टेस्टिंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्रीजिंग मास अवेयरनेस एंड फॉर मेन स्ट्रीमिंग दम इन द कंट्री. तो ये जो है प्रोजेक्ट्स दे डेमोन्स्ट्रेट द मेरिट्स ऑफ द सेलेक्टेड टेक्नोलॉजीज. जो सेलेक्टेड टेक्नोलॉजीज हैं उनको लाइव तरीके से जो है पायलट प्रोजेक्ट के जैसे अप्लाई करना, उनका यूज करना, जैसे हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे उनको अप्लाई करना, वो इसके द्वारा किया जाता है. पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, तो ऐसे कुछ टेक्नोलॉजीज है जिनको अभी टेस्ट करना है तो वो इसके तहत किया जाता है. फ्यूचर टेक्नोलॉजीज जो है वो इंक्यूबेट किए जाते हैं बाय दिस इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सपोर्ट जो है इसके द्वारा. तो फ्यूचर टेक्नोलॉजीज उनको और थोड़ा फाइनेंस चाहिए, वेरियस अदर रिसोर्सेज चाहिए, तो वो इसके द्वारा दिया जाता है. ओके, तो ये कंपोनेंट जो है थ्रू आशा जो अफोर्डेबल सस्टेनेबल हाउसिंग एक्सेलरेटर इंडिया प्रोग्राम के द्वारा ये इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन किया जाता है. तो व्हाट इज दिस आशा? तो एम ऑफ आशा इज टू कैटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन हाउसिंग. ओके, मेनली मटेरियल्स एंड रिलेटेड प्रोडक्ट्स बाय प्रोवाइडिंग अ सूटेबल प्लेटफॉर्म टू प्रमोट एंड शोकेस इंडियाज वाइब्रेंट एंड डायनामिक कम्युनिटी ऑफ इनोवेटर्स. तो इससे रिलेटेड हाउसिंग कंस्ट्रक्शन सेक्टर से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और इम्प्रूव करना, इट विल सपोर्ट द पोटेंशियल फ्यूचर टेक्नोलॉजीज ऑल्सो. लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स क्या है? 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स कंसिस्टिंग ऑफ अबाउट 1000 हाउसेज ईच विथ फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज. तो इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर जो ग्लोबल सॉल्यूशंस की हम बात कर रहे थे वो सब का यूज करके इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किया गया है. 1000 हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं पायलट प्रोजेक्ट के द्वारा इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला एंड लखनऊ, 6 प्लेसेस में. दिस प्रोजेक्ट विल शोकेस द यूज ऑफ 6 डिस्टिंक्ट शॉर्टलिस्टेड इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज. तो 6 अलग टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर जो है यूज करके उनको पायलट प्रोजेक्ट के जैसा दे विल बी टेस्टिंग एंड इनका लर्निंग रेप्लिकेशन ये आगे होगा. ओके, सो दिस वाज द ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज एंड इन द प्रीवियस सेशन वी हैव सीन दिस क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दीज इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सत्यमेव जयते प्रोग्राम. द प्रोग्राम वुड बी टॉट एट स्कूल्स एंड कॉलेजेस व्हिच वुड बी एनकरेज टू डेवलप करिकुलम, राइट? इट इज अ प्रोग्राम ऑफ मध्य प्रदेश स्टेट. नो, इट इज अ प्रोग्राम ऑफ केरला. सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर, ए हियर. सो Which among the following statement is correct with respect to global housing technology challenge? ये आपका आज का question है. Ministry of Housing and Urban Affairs का है ये. Aims to identify and mainstream a basket of innovative technologies from across the globe for housing construction sector that is sustainable. A, B, C, D, जो भी आपको सही लगता है please mention करें in the comment section. Thank you, all the best. If you have any other query you can contact us on these numbers.